हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं आज ही के शाला शिक्षण व क्रीड़ा विभाग के जीआर की इन्फॉर्मेशन, जो टीईटी के बारे में है। जीआर है कि रियासत के माजी सैनिक, शहीद सैनिक पत्नी वो कुटुंब, उनके ख़ानदान के लोगों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 15% नंबरात की सहूलत दी जाने वाली है। अब ये जीआर आज ही का है, 30 जून 2022 का ही जीआर है। जीआर में कहा गया है कि जो हमारी जो स्टेट है, इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 60% की ज़रूरत थी, और कास्ट कैटेगरी के लिए और दिव्यांग के लिए 55% की जो तो पासिंग थी। अब इस जीआर के मुताबिक एक बहुत बड़ा नया चेंजेस हमारे टीईटी में पासिंग में किया गया है, जिसमें स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो माजी सैनिक है या फिर शहीद सैनिकों के उनकी वाइफ है या उनके खानदान का कोई फर्द है, तो इन्हें अब टीईटी पासिंग में पूरे 15% नंबरात की सहूलत दी जा रही है। यानी कि अब इन्हें पास होने के लिए 45% नंबरात हासिल करने ज़रूरी हो गए। यानी कि अब, और ये जो जीआर है, ये जीआर नवंबर, जो अभी 21 नवंबर 2021 में जो टीईटी एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट पर भी लागू रहेगा, और यहाँ से आगे के सब रिजल्ट पर लागू रहेगा। पीछे जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसमें नहीं रहेगा। याद रखिए कि 21 नवंबर को अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, 21 नवंबर 2021, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, उस रिजल्ट पर और आने वाले सभी रिजल्ट के ऊपर ये जीआर लागू होगा। यहाँ से जो भी माजी सैनिक या फिर माजी सैनिक के पत्नी है या उनके फैमिली से एक मेंबर है, उन्हें 45% पर भी पासिंग रहेगी। आपका क्या कहना है इस शासन निर्णय के मुताबिक? आपका क्या ख्याल है, और किन कैटेगरीज को भी सहूलत मिलनी चाहिए या मिल सकती है? आप शासन से क्या क्या उम्मीद रखते हैं? आप अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।